तो दोस्तों एक बार फिर से एसएस राजा मौली ने अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि ट्रिपल आर के माध्यम से बात पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बता दी है कि भाई उनकी फिल्मों पर बॉक्स ऑफिस को इतना भरोसा क्यों है, उनकी फिल्मों को लेकर ये बात क्यों कही जाती है कि भाई ये फिल्म अगर एसएस राजा मौली की फिल्म है तो भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही कमाई के मामले में झंडे गाड़ देगी। तो भैया क्यों है एसएस राजामौली की फिल्मों पर बॉक्स ऑफिस को इतना यकीन, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया ट्रिपल आर से। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि एसएस राजामौली की फिल्मों को लेकर हमेशा ये बात कही जाती है कि भाई उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर रिकॉर्ड ही बनाती हैं। यानी कि भैया एसएस राजामौली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के उन डायरेक्टरों में से एक हैं जिनकी कोई फिल्म आज तक भैया एवरेज हिट नहीं हुई है, यानी कि भैया बिगेस्ट हिट हुई है। उन्होंने अब तक जितनी भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी हैं वो फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। एक और ब्लॉकबस्टर देने वाले हैं सिनेमाघर में जिसका आगाज कल से हो चुका है, यानी कि भैया कल जैसे ही ट्रिपल आर के ट्रेलर को लॉन्च किया गया कि भैया उसके ट्रेलर को देखते ही हर कोई यही बोलता नजर आ रहा है कि भाई ये फिल्म तो रिकॉर्ड बनाएगा। यानी कि भैया 24 घंटों में ही इस फिल्म के ट्रेलर ने जो रिकॉर्ड बनाया उसी को देखने के बाद ये बात कही जा रही है मेरे भाई कि राजामौली के ऊपर बॉक्स ऑफिस को इतना यकीन क्यों है। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि ट्रिपल आर के ट्रेलर को 5 लैंग्वेज के माध्यम से रिलीज किया गया है अलग अलग यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, यानी कि भैया अलग अलग यूट्यूब चैनल पर इसको 5 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया। और भाई इन 5 लैंग्वेज के माध्यम से इस ट्रेलर को अब तक कितना व्यूज मिला है तो चलिए मैं एक एक करके बताता हूं। तो दोस्तों अगर हम बात करें ट्रिपल आर के हिंदी वाले ट्रेलर की तो भैया इस ट्रेलर को 24 घंटों में 19 मिलियन व्यूज हासिल हो चुके हैं। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो भैया हिंदी वाले ट्रेलर को अब तक 1,98,05,089 लोगों ने देख लिया है YouTube के प्लेटफॉर्म पर 24 घंटों में। और वहीं पर अगर हम लाइक वाले सेक्शन की बात करें तो भैया ट्रिपल आर के हिंदी वाले ट्रेलर को 8,05,000 लोगों ने लाइक से भी नवाजा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हिंदी वाले ट्रेलर की, अब चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिपल आर के तेलुगु वाले ट्रेलर की। तो दोस्तों ट्रिपल आर के तेलुगु वाले ट्रेलर को 24 घंटों में 20 मिलियन लोगों ने देख लिया है। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 2,04,71,920 लोगों ने 24 घंटे में इस ट्रेलर को देख लिया है तेलुगु में। और वहीं पे अगर हम भैया लाइक वाले सेक्शन की बात करें तो भैया तेलुगु वाले ट्रेलर को 1.2 मिलियन लाइक भी हासिल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई तेलुगु वाले ट्रेलर की, अब चलिए हम लोग बात करते भैया ट्रिपल आर के मलयालम वाले ट्रेलर की। तो भैया मलयालम वाले ट्रेलर को जो अब तक व्यूज मिला है 24 घंटों में तो भैया वो आंकड़ा है 2.4 मिलियन का। यानी कि भैया आंकड़ों में बात करें तो 24,24,472 लोगों ने 24 घंटों में देख लिया है ट्रिपल आर के ट्रेलर को मलयालम लैंग्वेज में। और वहीं पे अगर हम बात करें भैया लाइक वाले सेक्शन की तो भैया ट्रिपल आर के मलयालम वाले ट्रेलर को जो लाइक मिला है वो है 1,80,000 का। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मलयालम वाले ट्रेलर की, अब चलिए हम लोग बात करते भैया कन्नड़ वाले ट्रेलर की। तो दोस्तों कन्नड़ लैंग्वेज में ट्रिपल आर के ट्रेलर को जो 24 घंटों में व्यूज हासिल हुआ था वो था 5.2 मिलियन का। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 52,17,101 लोगों ने इस ट्रेलर को 24 घंटों में देख लिया था कन्नड़ लैंग्वेज के माध्यम से। और इस प्लेटफॉर्म पर ट्रिपल आर के ट्रेलर को जो लाइक मिला था वो आंकड़ा था 1,41,000 का। यानी कि भैया यहां पर भी ट्रिपल आर के ट्रेलर को बेहतरीन सपोर्ट मिला है। देन उसके बाद अगर हम बात करें भैया तमिल वाले ट्रेलर की तो भैया ट्रिपल आर के तमिल वाले ट्रेलर को जो व्यूज मिला है इस प्लेटफॉर्म पे तो भैया वो आंकड़ा है 3.2 मिलियन का। यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 32,55,587 लोगों ने अब तक ट्रिपल आर के तमिल वाले ट्रेलर को देख लिया है 24 घंटों में। और भाई इस प्लेटफॉर्म पे अब तक इस ट्रेलर को कितना लाइक मिला है तो भैया वो आंकड़ा है 2,06,000 का। यानी कि भैया ट्रिपल आर के ट्रेलर को पिछले 24 घंटों में जो व्यूज हासिल हुआ है इन 5 लैंग्वेज के माध्यम से तो भैया वो आंकड़ा है 45.8 मिलियन का।
और भैया वहीं पर अगर हम बात करें भैया लाइक वाले सेक्शन की, तो भैया इस ट्रेलर को 2.5 मिलियन लाइक भी मिल चुके हैं इन पांचों लैंग्वेज के माध्यम से। यानी भैया 24 घंटों में जिस तरीके का सपोर्ट मिला है ट्रिपल आर के ट्रेलर को, उसको देखने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई क्यों SS राजामौली के ऊपर पूरे बॉक्स ऑफिस को भरोसा है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।